हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मी ओमलान कुमार। आज हम विजिट करेंगे आरायडंगा गोबरजन्ना काली मंदिर। मालदा डिस्ट्रिक्ट अंदर सबसे ज़्यादा जागृत मंदिर है गोबरजन्ना काली मंदिर। मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्स 25 किलोमीटर दूर में है गोबरजन्ना काली मंदिर। ग्राम पंचायत आरायडंगा के अंतर्गत गोबरजन्ना ग्राम इस जगह में विराजमान है माँ गोबरजन्ना ठाकुरानी काली प्राचीन काली मंदिर। आसपास गांव के बुजुर्ग आदमी से बात करके पता चला यहाँ का पूजा 350 साल पुराना है। इस पूजा का शुरुआत सबसे पहले डकैत लोग का हाथ से हुआ था। आज भी वही रीति रिवाज मान के यही पूजा चले आ रहा है। हर साल कार्तिक महीना में ये पूजा होता है और दूर दूरांत से कार्तिक महीना में लाखों भक्त लोग यहाँ समावेत होता है। इस मंदिर का पीछे बहुत सारे पौराणिक कथा है। सदियों पहले आरायडंगा अंचल जो है पूरा जंगल से भरा हुआ था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहने के कारण उस डर से आदमी भी चलना फिरना बहुत कम था। इसी जगह में कोई कोई कहता है बिहार से और कोई कोई कहता है राजस्थान से कुछ डकैत लोग आके यहाँ रहना शुरू किया। और ये लोग जब डकैती करने जाता था उस टाइम पूजा करके और वापस आने के बाद काली माता का पूजा करता था। ये भी सुना गया है डकैत लोग खुद ही अपने हाथों से मूर्ति बनाता था और पूजा करने के बाद उस मूर्ति को कालिंद्री नदी में विसर्जन करता था। आज का दिन में गोबरजन्ना गांव का चौधरी परिवार इस पूजा को जिम्मेदारी के साथ करवा रहा है और साथ में पुलिस प्रशासन आरायडंगा गांव का गांववासी उसमें मदद कर रहा है। मंदिर का बगल में गंगा जी का शाखा नदी कालिंद्री नदी विराजमान है। पूजा के समय कालिंद्री नदी के किनारे बहुत बड़ा मेला लगता है। मंदिर का बगल में शमशान है। शमशान का बगल से रास्ता रास्ता से सीधा जाके कालिंद्री नदी, नदी के उस पार गौरीपुर गांव। उस पार के आदमी अगर मंदिर आने के लिए नाव के सहारे आना पड़ता है। इस मंदिर के प्राचीन कथाओं में दूसरी तरफ से ये भी सुना गया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का देवी चौधरी रानी उपन्यास का नायक जो था भवानी पाठक, वो देवी चौधरी रानी का स्मृति जुड़ा हुआ है इस मंदिर का पीछे और इस मंदिर का पूजा में। ये भी सुना गया है भवानी पाठक और देवी चौधरी रानी नदी के रास्ते में उत्तर बंग यात्रा कर रहा था। प्राकृतिक दुर्योग के कारण अपने नाव को इस जगह में रुकना पड़ा। इस क्षेत्र में जो डकैत था उन्होंने भवानी पाठक और देवी चौधरी रानी को बहुत इज्जत दिया। रात को भवानी पाठक और चौधरी रानी दोनों मिलके डकैत लोग के साथ माता रानी का पूजा किया। रात में जब भवानी पाठक सो गए सपने में माँ दर्शन देके उनको कहा उनका मंदिर यहाँ स्थापन करने के लिए और उनका मूर्ति बनाने के लिए। सुबह बहुत ही जल्दी निद्रा से उठ के भवानी पाठक कालिंद्री नदी में स्नान करके उस नदी से मिट्टी लेकर मूर्ति बनाने की कोशिश किया। इस मिट्टी में बालू के मात्रा ज़्यादा होने के कारण मूर्ति बन नहीं पा रहा था। आसपास से गोबर एकत्रित करके भवानी पाठक ने उस मिट्टी के साथ गोबर मिला के मूर्ति बनाया। मूर्ति का मिट्टी के साथ गोबर मिला के मूर्ति बनाया, इस कारण से इस गांव का नाम हुआ था गोबरजन्ना। ये भी सुना जाता है भवानी पाठक अपने शरीर का खून देके ये पूजा संपूर्ण किया था। अभी भी उसी रीति रिवाज से पूजा चल रहा है।
गोवर्धना काली मंदिर को लेकर अभी भी पौराणिक कथा और पूजा लेकर बहुत मत विरोध है, लेकिन फिर भी काली मंदिर का पूजा बहुत आस्था के साथ अभी भी चल रहा है। हर साल कार्तिक महीना में अमावस्या का दिन ये पूजा होता है। इस पूजा में बहुत दूर दूर का भक्तगण आता है। बिहार, झारखंड, हमारा पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश से भी बहुत भक्तगण आके यहाँ समावेत होता है। हर साल पूजा के समय यहाँ 5 से 7 हज़ार पशु का बलि चढ़ता है। कालिंद्री नदी के किनारे बहुत बड़ा मेला लगता है। मंदिर के पीछे छोटा छोटा मंदिर, शिवलिंग, गणेश भगवान का, शनि महाराज का भी मंदिर है। मंदिर के चारों तरफ आम के बगिया, एक तरफ नदी, विश्रामागार, ऐसे प्राकृतिक दृश्य आपको यहाँ आके मिलेगा। इस वीडियो बनाने के लिए मुझे मेरा आरेडा का दोस्त लोग और भाई लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन लोगों का नाम मैं वीडियो का लास्ट में दिया हूँ, उनको दोबारा मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।